और ये जो मेरे करीबी लोगों को जो है डराने धमकाने का ये जो काम कर रहे हैं, या मेरे खिलाफ जो पुलिस स्टेशन में गलत गलत FIR और ये मुझे झूठे केस में फंसाने का जो काम कर रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके बहुत सारे 30 सालों का। मैं आपको एक सेकंड में बताना चाहूंगा कि इनका 30 सालों का जो रिकॉर्ड है, मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है, आपके पास बहुत कुछ खोने के लिए। देखिए, मैं सोशल मीडिया पे आके मैं सिर्फ सोशल मीडिया का हीरो नहीं बनना चाहता, मुझे कार्रवाई करना है और वो मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। मुझे जब सही वक्त लगता है कोई कार्रवाई आगे बढ़ती है, उसके बाद मैं मीडिया के थ्रू जो है मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि हाँ, मैं इस स्टेज पे अब हूँ और मेरी कार्रवाई कंटिन्यू चल रही है और मैं इंशाल्लाह इसको मैं जारी रखूंगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि महानगर पालिका के कर्मचारी जो है ये इस तरीके का जो लोगों के समाज और विकास के लिए जो प्रॉपर्टी है, जो वक्त की प्रॉपर्टी है, उस पर बिल्डरों का साथ ना दे कुछ पैसों के लिए। तो ये कृपया करके जो है ये मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, वरना जो है मुझे इनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी, हाईकोर्ट जाना पड़ेगा एक बार फिर से, जो उच्च न्यायालय मुझे इनके खिलाफ भी जाना पड़ेगा। भिवंडी RPI के अध्यक्ष फहद शेख साहब, आज हम उनसे बात करेंगे कि मोती मस्जिद को लेकर जो एक विवाद चल रहा है उसके बारे में क्या कार्रवाई हुई इनसे जानेंगे। तो देखिए, मोती मस्जिद के मामले को लेकर जो इतने दिनों से जो मामला चल रहा था, वो लेट होने की वजह यह है कि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हमको कलेक्ट करने थे, जो हमको माननीय उच्च न्यायालय में हमको प्रेजेंट करने थे। हमने रिट पिटीशन फाइल कर दिया है फाइनली, और तकरीबन सारे लोगों को जो है इसका नोटिस भी मिल चुका है, और इंशाल्लाह जो भी है जल्द से जल्द इसका फैसला होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये सारे मामले के पीछे कौन है, हमारे माजी महापौर साहब, तो उनका 30 साल का जो है राजनीतिक अनुभव है और अच्छा अनुभव है। वो अपने दिमाग से और अपने पावर पोजीशन का जो है गलत इस्तेमाल करके उन्होंने ये सारा जो है परमिशन दिया है। एक्चुअली ये जिस CTS नंबर पे ये जो परमिशन इन्होंने लिया, जिस CTS नंबर पे इन्होंने बिल्डिंग बनाया है, वो CTS नंबर 1696 जो CTS नंबर है, उस CTS नंबर पे मस्जिद है। और अगर उस CTS नंबर पे 75 साल पहले से मस्जिद है, तो इन्होंने बिल्डिंग का परमिशन कैसे लिया, इसमें महानगर पालिका भी इन्वॉल्व है। और कल मैं महानगर पालिका आयुक्त से भी मैं मिलूंगा, हालांकि उनको भी नोटिस मिल चुका है, वो भी हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेंगे। उसके अलावा महानगर पालिका आयुक्त और महानगर पालिका कर्मचारी जो है, ये लोग सारे जो मिलके जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है विदाउट NOC इसको बनाने का और उनको संरक्षण देने का काम ये महानगर पालिका के कर्मचारी और ये लोग करते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि महानगर पालिका के कर्मचारी जो है ये इस तरीके का जो लोगों के समाज और विकास के लिए जो प्रॉपर्टी है, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उस पर बिल्डरों का साथ ना दे कुछ पैसों के लिए। तो ये कृपया करके जो है ये मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, वरना जो है मुझे इनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी, हाईकोर्ट जाना पड़ेगा एक बार फिर से, जो उच्च न्यायालय मुझे इनके खिलाफ भी जाना पड़ेगा। और जो हमारे माजी महापौर साहब हैं, जिनके संरक्षण में ये सारा जो है मामला चल रहा है, उनको उनका तो ईमान ही खत्म हो गया कि उन्होंने मस्जिद भी जो है बेच खाई है, और उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र किए बहुत। आज इतने दिनों से वो डेली कुछ ना कुछ उनका चालू है, मेरे करीबी लोगों को जो है डराने धमकाने तक वो लोग आ चुके हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे लोगों, मेरे करीबी लोगों को, मेरे रिश्तेदारों को या जो भी हैं, उनको ये इस तरीके की हरकत करना आप बंद कर दो, वरना आपके खिलाफ भी जो है मेरे पास बहुत कुछ एविडेंस है। तो फहद भाई, जिस तरह से आप ये लड़ाई लड़ रहे हो, तो इसके बाद आपको क्या लोगों का समर्थन मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए लोग तो जो है ऐसा है कि जो ईमान वाले लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, और तकरीबन सारे लोग जो है हर एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते हैं। कोई भी ये नहीं चाहेगा किसी के धार्मिक स्थल या धार्मिक जगह जो है, या मस्जिद हो या मंदिर हो, किसी ऐसी जगह पे जो है कोई भी आदमी आए और चंद पैसे के लालच में बिल्डिंग बना के बेच के चला जाए। तो इस मामले में तो मुस्लिम कौम के लोग जो है वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। मुसलमानों ने जो इनके वोटर्स हैं, उन्होंने 30 साल से जो इन पर भरोसा किया है, प्यार दिया है इनको, इन्हें जिता के लेके आए हैं, वही लोग जो है इनको जवाब भी दे देंगे। जो भी कार्रवाई होगी, हमें उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है, इस देश की जो है जो संविधान है, जो सिस्टम है, जुडिशरी है, उस पर हमको पूरा भरोसा है, वहाँ से तो न्याय मिलना है। लेकिन अगर इनको अपनी इज्जत प्यारी है, तो ये खुद जो है जल्द से जल्द फैसला करें, और ये जो मेरे करीबी लोगों को जो है डराने धमकाने का ये जो काम कर रहे हैं, या मेरे खिलाफ जो पुलिस स्टेशन में गलत गलत FIR और ये मुझे झूठे केस में फंसाने का जो काम कर रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके बहुत सारे 30 सालों का। मैं आपको एक सेकंड में बताना चाहूँगा कि इनका 30 सालों का जो रिकॉर्ड है, मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है, आपके पास बहुत कुछ खोने के लिए है। अगर आप मुझे इस तरीके से हैरान करोगे, तो मैं आपके और भी जो काले चिट्ठे और जितनी जिंदी बिल्डिंगें आपने बना के रखी है, वो सब मैं जनता के सामने लेके आऊँगा। तो मेरी आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कृपया करके आप मेहरबानी करके
सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के मामले को हल करो, मेरी आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, दैट्स इट। तो फाद भाई जैसे कि लोगों का एक ये भी सोचना है कि मतलब एक कहना है लोगों का ये भी कि आप एक वीडियो बनाते हो उसके बाद मतलब गायब हो जाते हो बहुत दिन के बाद। नहीं, मैं देखिए मैं सोशल मीडिया पे आके मैं सिर्फ सोशल मीडिया का हीरो नहीं बनना चाहता, मुझे कार्रवाई करना है और वो मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। मुझे जब सही वक्त लगता है कोई कार्रवाई आगे बढ़ती है उसके बाद मैं मीडिया के थ्रू जो है मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि हाँ मैं इस स्टेज पे अब हूँ और मेरी कार्रवाई कंटिन्यू चल रही है और मैं इंशाल्लाह इसको मैं जारी रखूंगा। तो फाद भाई आपने पिछली बार भी जो पिटीशन दाखिल किया था हाई कोर्ट में तो उसके बाद क्या रिजल्ट निकला? नहीं पिटीशन हमने दाखिल किया है, अभी हमने पिटीशन दाखिल किया है, पिटीशन नंबर 17760 ये पिटीशन नंबर है और अगर किसी को चाहिए हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन वो चेक कर सकता है, सिटी रिट पिटीशन नंबर 17760 और इसका नोटिस 17 लोगों को मिल चुका है, तकरीबन 17 लोग, हमने 17 लोगों के नाम पे जो है ये नोटिस इशू हुआ है हाई कोर्ट से और ये सबको मिल चुका है तकरीबन। तो फाद भाई सीधा देखा जाए तो एक मतलब एक तरह से लोगों का ये भी सोचना है कि इसका जो रिजल्ट है वो निकल के नहीं आ रहा, वो लोगों नहीं देखिए नहीं देखिए कैसा है कि ये हमारे देश में जो है रिजल्ट थोड़ा लेट निकलता है लेकिन निकलता है, रिजल्ट जो भी आएगा वो सही रिजल्ट होगा, जो भी जजमेंट आएगा वो सही जजमेंट होगा, उस पर किसी को जो कोई आपत्ति नहीं होगी। इसी तरह की लड़ाई मतलब आप लड़ते रहेंगे? मैं बिल्कुल जब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, मैंने इससे पहले भी कहा था अभी भी मैं कह रहा हूँ और इसके अलावा महानगर पालिका के कर्मचारी ये जो दूसरी और भी बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टी है सारी जो है इन्होंने बेच खाया है पूरा, तो महानगर पालिका आयुक्त से मैं कल मुलाकात करूंगा, उन सब मैटर के बारे में भी मैं बात करूंगा और भी जो दूसरी जो बिल्डिंग है जो वक्फ की प्रॉपर्टी है जिसपे अवैध तरीके से निर्माण हुआ है या हो रहा है उस ताल्लुक से भी मैं उनसे मैं बात करूंगा कि ये नहीं होना चाहिए। तो फाद भाई आखिरी में एक सवाल आपसे, जरा आप क्या खुल के बताएंगे किस तरह से आपको धमकाया जा रहा है डराया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा खुलासा करेंगे और ये कौन लोग हैं? अभी 2-3 दिन पहले कल्याण नाके पे मेरे एक दोस्त थे, उनको इनके 2 लोग बाइक पर आए, आने के बाद शाम में तकरीबन 5:30 बजे मैंने DCP साहब को मैंने उसके ताल्लुक से लेटर बनाया, कल सुबह वो भी मैं दे रहा हूँ, उनके लोग आए और मेरे दोस्त थे वो उनको डरा धमका रहे थे कि तुम जो है गलत कर रहे हो, उसको समझा दो, ये कर दो, वो कर दो, अंजाम अच्छा नहीं होगा बुरा होगा, तो ठीक है जो भी है वो पता नहीं, मैं तो था नहीं वहाँ पे, जो थे मेरे दोस्त वो भी जो है जानते नहीं थे शायद, ये लोगों ने हमको जो देखा होगा कहीं साथ में, ये वक्त की जो प्रॉपर्टी है उसके केस से पीछे हटने बोल रहे थे। जी तो आपने क्या फैसला किया? फैसला सीधा है क्लियर है, मुझे इनके डराने धमकाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ऐसे लोग आते जाते रहेंगे, मुझे इनके डराने धमकाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको जो करना है ये कर सकते हैं, मैं इनके डराने धमकाने से पीछे ये मुझे मैं इस लड़ाई में उतरा हूँ तो मैंने बहुत सारी मेहनत की, मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एविडेंस सब कुछ जमा किए, सब कुछ आगे पीछे मैंने सोचा है, मैंने मेरा क्या नुकसान ये कर सकते हैं, मेरा क्या नुकसान हो सकता है, सब कुछ देखने समझने के बाद में मैं आया हूँ, मैं कोई रास्ता चलते कोई सड़क छाप नहीं हूँ, मैंने ऐसे किसी ने मुझे पेपर दे दिया और मैं उठ के आगे चिल्लाने लग गया। जैसा आपने बताया कि वक्त की और भी प्रॉपर्टीज है तो क्या UND में उसके लिए भी आप आवाज? बेशक चालू है जारी है वो भी काम चालू बिल्कुल इंशाल्लाह, हम उसके लिए जो है अब हर मैटर को लेके मैं हाई कोर्ट नहीं जा सकता, बार बार मेरे अपने भी काम है, मेरा अपना भी परिवार है तो मुझे वो भी जिम्मेदारी संभालनी है, लेकिन मैं महानगर पालिका आयुक्त से मैं मिलूंगा और अगर ये सब मामला नहीं रुका तो मैं डायरेक्ट महानगर पालिका को मैं पार्टी बनाऊंगा। मैं इस मैटर में कहीं ना कहीं आपकी पार्टी या आपके लोग जो समर्थन में आपके वो कहीं ना कहीं नहीं बिल्कुल वो लोग हमारे पूरे समर्थन में है, हमारी उनकी बात हुई, ये जो है हमारे तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन पहले जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी जो है मेरी बात हुई, वहाँ से भी मुझे जो है पूरा आश्वासन मिला है कि आप जो है लड़ाई को जारी रखिए, जो भी सपोर्ट लगेगा पार्टी आपको सपोर्ट करेगी, पार्टी आपको सपोर्ट करेगी। जी बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष उन्होंने भी जो है हमको जो है अक्षय दादा ने उन्होंने भी हमको जो है आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं, आप ये लड़ाई जारी रखिए। तो आखिरी में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे और फाद भाई क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं UND के और भी लोगों को इससे जुड़ना चाहिए आपके समर्थन? देखिए कैसा है, जुड़ना तो चाहिए, लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए ताकि इससे जो है जो हमारे समाज के जो गरीब लोग हैं उनका भला हो, लेकिन लोग खुद अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, लोगों को इतना मालूम नहीं पड़ता क्या होता है, ये इतने होशियार लोग हैं कि इस तरीके से काम करते हैं कि एक आम जनता इसको समझ ही नहीं पाती है कि ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं।